बांदा अनियंत्रित लोडने दो लोगों को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को लेकर पहुंची जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, जहां देखते ही डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को कर दिया मृत घोषित। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बाबूलाल चौराहा पुलिस चौकी के पास का है। रिपोर्टर नवल तिवारी, अवीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा। 2022 की शाम करीब 7 बजे बाबूलाल चौराहे चौकी अलीगंज के पास एक पिकअप नंबर UP 90T 7147 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी गई, जिससे उसमें सवार राजू प्रजापति उम्र 55 वर्ष निवासी खाई पार की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या था पूरा मामला? एक्सीडेंटल आदि केस आए हमारे पास में, एक अज्ञात व्यक्ति 45 साल का, उसको ब्रांडेड लाया गया है पुलिस द्वारा, और दूसरा केस है इसी के साथ में एक राम किशोर है 38 साल का, सीरियस अवस्था में भर्ती कराया गया, भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। कुछ कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? ये खाई पार मामला के। अच्छा, दो लोग आए हैं, एक की मौत है, एक के उपचार जारी है।